पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार करके जो है साइट पर अपलोड कर दी गई कि किन किसानों को यहाँ पे 8वीं किस्त मिलने वाली है और किस राज्य को सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो पूरी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो में बने रहे मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार विजिट के चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको लिस्ट में नाम चेक करना है। तो चलिए अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसे डेस्कटॉप साइड मोड पर आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद उसको आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते आना है। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ से पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर पीरियड वाइज डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टेट आपका लगता है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है 21-22 ही हमें रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि अप्रैल और जुलाई का यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है अब आप यहाँ देख पाएंगे जितने यूपी में जो है इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है पूरा ग्रीन करके दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे यूपी में लगभग सभी लोगों को पैसे मिलने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, आप इस जो है ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इतने लोगों को इस बार जो है एफटीयू जनरेटेड हुआ है, कितने लोगों को यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्टर के बाद पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ देखते हैं टोटल बेनिफिशियरी रजिस्टर इस बार है इतना, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हम जाएँगे और तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्राफ और आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है एफटीयू जनरेटेड का, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब दो आरएफटी साइन का भी एक ऑप्शन मिल जा रहा है आपको यहाँ पे देखने को, यानी कि इतने लोगों का आरएफटी साइन दिखा रहा है और इतने लोगों का एफटीयू जनरेटेड। तो जितने भी लोगों को यहाँ पे एफटीयू जनरेटेड दिखाई दे रहा है उन्हें सबसे पहले यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। जी हाँ, चाहे वो आपका चौथी किस्त रुकी हुई हो या पाँचवीं किस्त या सातवीं किस्त या छठवीं किस्त रुकी हुई हो, अगर आपका यहाँ पे एफटीयू दिखा रहा है आपके स्टेटस में तो आपको यहाँ पे पैसे सबसे पहले मिलने वाले हैं। इस तरीके से ये पेमेंट अभी देखिए यहाँ पे पेंडिंग में बताया रहा है, पेमेंट रिस्पांस पेंडिंग, यानी कि ये अभी भी यहाँ पे 25-31-846 इतने जो है आपका एफटीयू जनरेटेड हो चुका है, इतने लोगों को पैसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। वैसे मैं आपको तारीख बता दूँ, एक अनुमानता तारीख जो यहाँ पे बताई गई है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है जी न्यूज़ की तरफ से, इंतजार खत्म, किसानों को पीएम किसान की 8वीं किस्त के 2000 रुपये इस तारीख को मिलेंगे लिस्ट में, ऐसे चेक करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से चेक करना है। और देखिए यहाँ पे जो अनुमानता डेट बताई गई है वो जो है यहाँ पे 14 मई बताई गई है, यानी कि 14 से 20 मई के बीच तक की यहाँ पे जो है आपको हो सकता है कि एफटीओ आपके स्टेटस में शो कर रहा हो और आपके अकाउंट में पैसे पहुँच भी जा चुके होंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो है आप अपना डायरेक्टली अकाउंट चेक करवाएँ, जो है हो सकता है कि कभी भी क्या होता है कि अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और हमारे यहाँ पे एफटीयू ही शो होता रहता है, कुछ दिनों बाद यहाँ पे अपडेट होता है तो पैसे आ जाते हैं हमारे अकाउंट में और यहाँ पे एफटीयू ही शो होता रहता है, यानी कि हो सकता है कि ये मैसेज आपको पढ़ते पढ़ते यहाँ पे हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। तो आपको चेक कराना है अपने बैंक में जाकर के स्टेटस, और यहाँ पर आप इस तरीके से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्वास्थ्य को दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको तक पहुँचती रहे।